morning guys, welcome back to my channel. I welcome you all to a very beautiful morning at a very beautiful location. Can you guess? Yes guys, it is Mount Abu. काश हमारी जिंदगी की हर सुबह इतनी ही खूबसूरत होती. So in this video, मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी माउंट आबू ट्रिप के एक्सपीरियंसेस, माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट इन माउंट आबू और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. एक और मजेदार सा रोड ट्रिप. मैं ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम अहमदाबाद टुवर्ड्स माउंट आबू राजस्थान. The fastest route to reach Mount Abu from Ahmedabad is the Ahmedabad-Palanpur highway. ये लगभग 4.5 to 5 hours का run है and kilometers में देखा जाए तो approximately 225 kilometers जितना है. तो देखिए बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं Mount Abu. तो अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना आसान है. इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, बिकॉज रोड्स आर एक्सीलेंट और अहमदाबाद से आबू रोड ट्रिप में आपको बहुत मजा आने वाला है. तो फिर चलो फटाफट चलते हैं अपने होटल के अंदर और चेक इन करते हैं. वी हैव चोजन स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स माउंट आबू बिकॉज आवर एक्सपीरियंस एट स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स जिम कॉर्बेट वॉज फैंटास्टिक. सो हमने सोचा उनके इस प्रॉपर्टी को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए. And in fact, I heard it is one of the finest properties in Mount Abu. And look at the ambience. Isn't it lovely, guys? Check-in formalities करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आपको कराने वाली हूँ एक छोटा सा रूम टूर. इससे पहले कि रूम मैसी हो जाए आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है. My room is a standard classic room and it looks absolutely comfortable, absolutely stunning और बहुत cozy. यहाँ पे सारे basic amenities हैं. एक अच्छा सा spacious सा bed, ये एक mirror लगा हुआ है full length, एक अच्छी सी almirah where you can stack your clothes and बाकी सभी basic amenities जो कि आपको जरूरत होती है while you want to stay comfortably in your room. The rooms are well maintained, neat and clean. And here comes the washroom, which looks pretty decent. Nice, clean, spacious, with a separate bathing area. So my basic requirements are fulfilled, all checked, and I'm sorted for my 2 days. And now time has come that I show you the best part. Guys, इस रूम की बेस्ट पार्ट है इसकी इतनी बड़ी स्पेशियस सी बालकनी विच गिव्स यू एन अमेजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू. इससे आपको ऐसा लगेगा आप नेचर के इतने क्लोज हो. आपको ग्रीनरी दिखेगी हर तरफ एंड आपको क्लाउड्स दिखेंगे. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्लाउड्स आकर हमारे रूम के अंदर घुस जाएंगे. सीरियसली गाइज, इट इज वेरी ब्यूटिफुल. हालांकि अभी थोड़ी गर्मी है तो मैं अंदर जाऊंगी. I'll sit back, relax, थोड़ा freshen up होंगी. और ये रही मैं. Hello, hello guys. मेरे इस वक्त 12 बजे हैं literally. It's a pretty big balcony actually. बहुत अच्छी space है यहाँ पे seating के लिए. And the best part is that you get a very, very green view from this balcony. अभी weather इतना अच्छा नहीं है, but okay, I mean pleasant है. It is not as hot or as bad, but यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है and it looks very beautiful because ये clouds आपको दिख रहे होंगे. It's a little cloudy and it is lush green and beautiful. So now is the time for some पेट puja, my favorite chicken biryani, and कर लेते हैं थोड़ा सा rest और मिलते हैं जल्दी. वेलकम बैक गाइज. शाम हो चुकी है. मैं खाना खा के बहुत आराम से सो गई थी और खूब सारा रेस्ट कर चुकी हूँ एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल माउंट आबू. सो मैंने प्लान किया है दैट मैं एक्सप्लोर करूंगी सिटी का लोकल मार्केट बिकॉज दिस इज आइडियली द बेस्ट टाइम. दिन में काफी गर्मी थी और अब क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट है.
तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं माउंट आबू आकर। सो आई हैव रीच्ड द लोकल माउंट आबू मार्केट गाइस। वीकेंड का काफी शोर है एंड लोग फुल जोश में दिख रहे हैं। एक तो माउंट आबू आने का जोश और दूसरा वीकेंड शॉपिंग का। मार्केट की इस चहल पहल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है दैट लाइफ आफ्टर सो मेनी डेज इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, विच इज सो ब्यूटिफुल। एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द अपकमिंग फेस्टिव सीजन स्पिरिट्स आर रियली वेरी हाई। आबू का मार्केट अपने आप में काफ़ी कमर्शियल हो चुका है पहले से। यहाँ पे आपको गारमेंट शॉप्स मिलेंगी, तरह तरह के ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम्स मिलेंगे, यहाँ पे खूब सारे इंटरेस्टिंग खाने के स्टॉल्स मिलेंगे, ज्वेलरी शॉप्स मिलेगी और मैं पहुँच गई हूँ ये बहुत ही फेमस रबड़ी सेंटर। आबू की फेमस रबड़ी तो खानी पड़ेगी, तो लो जी हम भी शुरू हो गए। दिस इज सो यम्मी। आबू हैज अ वेरी बिग मार्केट फॉर सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो, तो अगर ये आपको इंटरेस्ट करता है देन इट इज द राइट प्लेस फॉर यू। फेस्टिवल का टाइम है एंड वी आर इन दिस मार्केट, सो व्हाई नॉट। आई वेंट इनटू दिस शॉप एंड आई सिलेक्टेड दिस ब्यूटिफुल पिंक चिकनकारी कुर्ती फॉर माई सेल्फ। आई वॉज लिटरली सोल्ड एट दीज टू थिंग्स, एक तो अंकल जी की प्यारी सी स्माइल एंड दूसरा ये प्रिटी पिंक कलर। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको यहाँ की सबसे फेमस चीज एंड दैट इज नक्की लेक। दिस इज अ लेक विच इज वेरी वेरी ओल्ड एंड विच इज वेरी वेरी फेमस इन माउंट आबू, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स हियर। इन फैक्ट विद दिस आई एंड ऑफ टूडेज ब्लॉग एंड stay tuned for part 2. Till then, you know the drill, like, share and subscribe. Stay tuned. Bye-bye.